देश में जारी कोरोना संकट के बीच बिहार में प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है। इसी बीच आरजेडी के अध्यक्ष जगतानंद सिंह ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि बिहार आने वाले प्रवासी मजदूरों को पार्टी का कार्यकर्ता बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। हालांकि इस बाबत जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पूरी बात बताई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के इस बयान के बाद अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बिहार की राजनीतिक पारा गर्म हो गया है और लगातार विपक्षी आरजेडी के इस बयान पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप सुनिए कि आरजेडी के इस स्टैंड के बाद किस तरह से बिहार की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय जनता दल की गतिविधियां सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी ने अपने एक एक नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ संचालित रखा और बड़ी संख्या में जो हमारे श्रमिक भाई आ रहे हैं, जो परेशानियों में थे, उस परेशानियों का सामना करके इस आपदा की घड़ी में वो वापस अपने घर बिहार लौटे हैं। बड़ी तादाद में हमारे श्रमवीर भाई आए हैं, उन सब का स्वागत करने के लिए गर्मजोशी के साथ उनका सम्मान और स्वागत करने का भी दिशा निर्देश माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने सभी पदाधिकारियों को दिया है। साथ ही साथ जो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं उनको घर वापसी कराने में राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी की अहम भूमिका रही है। बड़ी संख्या में हमारे श्रमिक भाई, मजदूर, गरीब भाई जो आए हैं वो हमारे परिवार के अंग हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। लॉकडाउन के दौरान हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिया है कि अभी ऑनलाइन के माध्यम से सभी लोगों को, जो लोग आरजेडी का सदस्य बनना चाहते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से उनको राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बनाया जाए। एक एक कार्यकर्ता, सभी बिहार के लोग, हमारे एक एक पार्टी के पदाधिकारी, नेता, सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से अभी बड़ी संख्या में, तादाद में लोगों को सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। अब जगदा बाबू क्या करेंगे, हैं तो वो खुद आदरणीय एक्सपीरियंस्ड, पर चलना पड़ता है नॉन एक्सपीरियंस तेजस्वी यादव के तहत। तो तेजस्वी यादव ने आदेश दिया तो उसका पालन कर रहे हैं जगदा बाबू। पर भला सोचिए, इस आपदा के घड़ी में भी राजद को क्या नजर आ रहा है, राजनीति। अरे भाई, प्रवासी बिहारी आ रहे हैं, उनका स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए, उनका देखभाल कीजिए, यहाँ तक तो समझ में आता है। उन्हें आप सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं, मतलब अभी भी आपको वोट पॉलिटिक्स नजर आ रही है। शर्म कीजिए, शर्म। लेकिन राजद के लिए अगर इस कारनामे को लेकर के अगर कुछ बात कही जा सकती है तो वो एक ही चीज कही जा सकती है, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। राजद अध्यक्ष का ताजा निर्देश ऑनलाइन सदस्यता के जरिए लोगों को सदस्य बनाए जाने का जो यह आह्वान है, ये मानवता को शर्मसार करने वाला है। संकट की इस घड़ी में जब लोग जीवन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, राज्य के एक कोने से दूसरे राज्य तक पहुंचने के लिए लोग परेशान हैं, देश के एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने के लिए जिस तरह से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जीविका चलाने से लेकर संक्रमण से खुद को बचाने का जो ये मुश्किल अभियान है, इसमें राज्य और केंद्र सरकारें जिस तत्परता के साथ लगी हैं, उस समय संकट की इस घड़ी में अगर राजद को सदस्यता की पड़ी है तो ये न केवल हैरानी पैदा करने वाला है, ये पीड़ा भी हो रही है इस तरह के राजनीति से। और ये दरअसल यही राजनीति का जो चेहरा है राजद का, उसी ने बिहार की जनता में राजद को अस्तित्व के संकट से जूझने के लिए विवश कर दिया है। इस कोरोना संकट के दौर में आरजेडी की पूरी राजनीति गैर जिम्मेदाराना है। इन्हें राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और मानवता से कोई मतलब नहीं। और जिस तरीके से देखिए कि मजदूरों के ऊपर कितनी बड़ी विपदा आई है, जिनको राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर अपने अपने राज्यों में घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और ये लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके अपने पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे समय में जिस पार्टी को भी, जिस नेता को भी राजनीति सूझ रही होगी, वो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाए। अरे भाई तेजू बाबा, जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनको सुना आप लोग निर्देश दिए हैं अपने नेता कार्यकर्ता को, उनको पार्टी का सदस्य बना लो।
जरूर बनाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई ये भी निर्देश दे देते कि जो आ रहे हैं पहले उनकी थोड़ी मदद कर दो। कैमूर से मान लीजिए किसी को जाना है सुपौल, मधुबनी या आप ही के जंदाहा या आप ही के राघोपुर, तो उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए, थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, थोड़ा उनको कैश दे दीजिए। ये सब तो करिएगा नहीं, सदस्य बना लेते हैं। अरे कब तक ये घटिया राजनीति करिएगा भाई, उठिए, बड़े होइए तेजू बाबा, बड़े होइए।